चलिए आज हम बनाते हैं राजमा, और ये नए तरीके से राजमा की रेसिपी आज हम बनाएंगे, जिसके लिए हमें 3 से 4 घंटे या रात को भिगोने की ज़रूरत नहीं है राजमा को। तो ये राजमा लिया है हमने 250 ग्राम, और इसमें 3 प्याज डाले हैं हमने मीडियम, 3 टमाटर और 4 से 5 कलियाँ, और अब हम और एक हमने अदरक का टुकड़ा लिया है 1 इंच का, और इसको गर्म पानी में भिगो करके हमने रख दिया है, और इसी में हम बना लेंगे। कुकर का ढक्कन हमने लगा दिया है, ये देखिए लगा दिया हमने कुकर का ढक्कन। अब आधे घंटे बाद हम खोल के देखेंगे तो ये देखिए टमाटर भी हमारे गर्म पानी में बॉईल हो चुके हैं। हमको गैस ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मतलब केवल हमने राजमा गर्म किया है, सीटी नहीं लगाई है कुकर में, और टमाटर भी हमारे जो हैं वो पक चुके हैं। तो अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे, और राजमा को हम ये देखिए राजमा अब हम चेक करेंगे, राजमा हमारे पहले से काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो राजमा को हम फिर दोबारा से इसी तरीके से ढक्कन को लगा करके रख देंगे। अगर आप चाहते हैं तो 1 सीटी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम ये जो टमाटर प्याज और अदरक लहसुन है इसका हम बनाएंगे पेस्ट। पहले इनको हम छील लेते हैं, टमाटर के छिलके उतार लेंगे, और फिर टमाटर को पीस लेंगे हम। वो लहसुन प्याज का पेस्ट हमने बना करके तैयार कर लिया है। तो ये सबसे पहले हमने तेल गरम करके उसमें जीरे और जो हमारा बे लीफ है उसका हमने तड़का लगाया है। उसके बाद हमने प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें मिक्स किया है, और अब हम इसको कलर चेंज होने तक जो है भूनेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। ज़्यादा डार्क हम इसको नहीं करेंगे, केवल लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। और राजमा बनाने के लिए हमने जो है वो सरसों का तेल यूज़ किया है, जिससे काफ़ी अच्छा टेस्ट इसका आता है। तो ये देखिए प्याज को हम भून रहे हैं, और प्याज जो है लगभग हमारी जैसा हमको कलर चाहिए था वैसा ही कलर इसका आ चुका है। तो अब जो है प्याज में हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, मतलब आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 2 टीस्पून डाला है धनिया पाउडर, और फिर मैंने डाला है इसमें 1/2 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर, और फिर उसके बाद डाला है मैंने रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर भी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर लिया है, और मैंने 1/2 टीस्पून डाला है मैंने नमक, क्योंकि थोड़ा सा नमक मैंने राजमा को जो जब मैंने गरम किया था तब मैंने उसमें ऐड किया था। तो बस अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा पानी, और इसको अच्छे से चला लेंगे, जिससे कि जो हमारे मसाले हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से जो है कलर छोड़ दें। तो तब तक हम मसालों को भूनेंगे मीडियम गैस पर, जब तक ये मसाला जो है कलर नहीं छोड़ देता। तो हम इसको इसी तरीके से चलाएंगे जिससे कि ये नीचे लगे नहीं मसाला। और ये देखिए हम देख रहे हैं मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, और अब हमने डाले हैं इसमें जो हमारे टमाटर थे उनको हमने पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था, और वो हमने इसमें ऐड किए हैं। और हम जैसे ही ये कलर छोड़ेगा हमारा मसाला, ये देखिए मसाले ने जो है धीरे धीरे कलर छोड़ना या ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, और फिर उसके बाद ये देखिए अच्छे से पक चुका है, आप देख रहे हैं बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी, और काफ़ी अच्छा रिच लग रहा है। बस ये बनकर तैयार है, और अब हम इसको सारे मसाले को जो है कुकर में ऐड कर देंगे जिसमें हमारे राजमा रखे हुए हैं। तो सारा मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे, ये थोड़ा सा रह गया इसको भी हम ऐड कर देंगे इसमें। और अगर राजमा में आपको लग रहा है कि पानी कम है तो आप गरम पानी करके इसमें ऐड करेंगे, आधा गिलास या 1 गिलास, जैसे भी आप राजमा खाना चाहते हैं। तो मुझे राजमा थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, क्योंकि ये आधे घंटे बाद जो है जब बन जाता है राजमा उसके बाद ये अपने आप ही गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। अब मैंने इसमें आधा गिलास के करीब गुनगुना पानी डाला है, और कुकर को ढक्कन से बंद कर दिया है। 4 से 5 सीटी में इसमें जो है वो मीडियम गैस पे लगाऊंगी, और ये देखिए कुकर को हमने सीटी लगाने के बाद इसी तरीके से प्रेशर लगा हुआ रखा रहने दिया, और जब इसका प्रेशर ख़त्म हो गया तब हमने ढक्कन को खोला है। ये देखिए राजमा हमारा बन के तैयार है, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना पतला है। अब इसको करते हैं हम चावलों के साथ सर्व। तो ये लीजिए चावलों के साथ हमारा राजमा तैयार है, बहुत ही टेस्टी राजमा बनाया, और बहुत जल्दी आप इस तरीके से राजमा को बना लेंगे इंस्टेंट। आपके घर में भी अगर कोई मेहमान आता है तब भी आप बड़े इजीली राजमा बना लेंगे।
तो अगर आपको राजमा की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।